भारतीय युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह तिवाना के द्वारा नमो चषक के आयोजन में उत्तर मुंबई के संसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी, वंदे मातरम मैदान गायकवाड नगर मालाड़ मालवनी पश्चिम में सम्मिलित होकर सभी भाग लेने वाले खिलाड़ी को शुभेच्छा दिए और सभी खिलाड़ी को मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ में मुंबई के सचिव विनोद शेलार, मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली, युवा मोर्चा के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष अमर शाह उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलो इंडिया का कंसेप्ट लाया और आप देखेंगे कि पूरे देश भर में करोड़ों बच्चे इन दिनों में स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े। स्पोर्ट्स के साथ में सिर्फ जुड़े ही नहीं तो ओलंपिक में पहली बार भारत देश ने 107 से भी ज़्यादा मेडल जीत कर लाने का प्रयास किया। मैं मानता हूँ कि अगली बार जब कभी भी एशियन गेम ओलंपिक गेम होगा तो ये जो मेडल की संख्या है और बढ़ते जाएगी। इस साल विशेष करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के और खास करके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नमो चषक के माध्यम से खेलों का आयोजन करने के लिए कहा था। हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजेंद्र तिवाना, जिनके पिताजी का जो ऑपरेशन की वजह से वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सारा खेलों का आयोजन यहाँ पर किया और आपने देखा कि क्रिकेट का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ जिसका बख्शी समारंभ अभी हमने किया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, इस अवसर पर सभी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने में जो भी योग्यता है वो दिखाने का प्रयास किया, उनका भी सम्मान हमने करने का प्रयास किया। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका इस उम्र में अगर हम सम्मान करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाता है और इस प्रकार का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ऐसा मेरा मत है। मैंने अपने राजनीतिक इतने बड़े लंबे सफ़र में बहुत सारे इस प्रकार के काम किए। मलाड़ का ये जो एरिया है ये आइसोलेटेड एरिया करके बहुत दिनों से कहा जाता था, लेकिन इस एरिया का भी पूरा एक नक्शा बदलने का प्रयास हम मिलकर कर रहे हैं। 10-12-15 एकड़ का डेवलपमेंट इन दिनों में शुरू है। बगल में आप देखेंगे मालवनी जिमखाना का हम यहाँ पर आने वाले 8-15 दिन में उद्घाटन करेंगे, जिसमें सारे मालवनी के लोगों को खेलने की व्यवस्था होगी, एक्सरसाइज करने की व्यवस्था होगी, सामान्य घर परिवार के बच्चों का शादी भी यहाँ पर रिजनेबल रेट में हो, इस प्रकार की एक व्यवस्था कर हम खड़ी कर रहे हैं। और यह हम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते सिर्फ मैं कर रहा हूँ, इसको चलाने का काम मालवनी के ही सारे लोग मिलकर करेंगे। हम एक टीम बनाएंगे, उसमें सभी समाज के लोग रहेंगे, हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, जितने भी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं ऐसे सारे लोगों का मिलकर एक कमेटी बनाकर वही इसको चलाएंगे आने वाले दिनों में। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड के नाम पर जब बात करते हैं हम लोग, ग्राउंड का नाम ये होता कि ये रखें ये वो रखें, इस वक्त क्या नाम रखेंगे उस वक्त इसका या किसका? इसके लिए ये जो बन तैयार है इसमें सामान्य घर परिवार के बच्चों का शादी का देखिए एक मजहब है तो है उसका, तो ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया ना तो कांग्रेस ने पैदा किया, जो चला आया है वो चला आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी समाज के लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाए इस प्रकार का एक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करना है तो मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू नाम दूंगा तो फिर दूसरे समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कॉमन नाम का मैं ढूंढ रहा था तो मुझे लगा क्या देना चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि मालवनी जिमखाना बनाएंगे तो उसमें सभी लोग आ जाएंगे, है ना, तो इसका मालवनी जिमखाना हमने दिया है। ये जो ग्राउंड पे जहाँ पर आज क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ ये फिरोज नाम के लड़के ने इस ग्राउंड का नाम वंदे मातरम करके रखा। मातरम यानी माँ, जमीन, है ना, वंदे यानी उसको सलाम, जमीन को सलाम करते हैं। अब इसको कोई वंदे मातरम नाम आता तो कोई हिंदू का नाम से जुड़ता होगा, तो अभी ये मेरे वतन के लोगों गाना जो बच्ची ने गाया उसमें उर्दू के कितने साहब कुर्बानी शहीद ऐसे आए, उसको तो हम गा रहे हैं ना सब लोग, कोई हिंदू गाते समय कुर्बानी आ गए तो उसको कट करके तो आगे नहीं बढ़ रहा है ना, पूरा गा रहे हैं ना। हाँ, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, यही तो हमारी देश की खूबसूरती है ना, इसको आप जोड़ो अपने अपने जीवन में तो आप सारे लोगों को, आप भाषा को जोड़ो तो आप भाषिकों को जोड़ पाएंगे। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं मराठी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, तो जितना भी लैंग्वेज बोलता हूँ तो उतने लैंग्वेज के लोग मेरे साथ में जुड़ जाते हैं। सर आपकी हिजाब की बात की, आपके हिजाब बच्चे पहन के आए थे? हाँ जी, देखिए मैं मानता हूँ कि बदलते हुए दुनिया में हम सब लोगों ने अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हिंदू समाज के बहनें भी घर में घूंघट के बिगड़ तो बाहर आती नहीं थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अभी अभी थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो क्यों नहीं, भगवान ने इस धरती पर किसी को जन्म दिया है तो अपने मर्जी के हिसाब से जिए, दूसरे लोग जैसा जीते हैं वैसा जिए, इस प्रकार का एक वातावरण हम सब लोगों ने मिलकर क्यों नहीं करना चाहिए। हम जब बचपन में थे तो हमारे घर में भी बहुत प्रकार के बंधन थे, अब हमारे बच्चों को वो नहीं है, हमारे मेरे पोतियों को वो नहीं है, मैं एक अलग वातावरण में जिया,
मेरे बच्चों को मैंने उसमें 50% कर करके 50% बनाया। आज मेरे बच्चे के बच्चे हैं, वो एकदम नए दुनिया में जी रहे, तो जीने का उनको हक है, अधिकार है ना। दुनिया बदल रहा है तो हमने भी अपने आप को थोड़ा बदल लेना चाहिए। अब जो बदलेंगे वो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे, उसमें क्या है। हमारा प्रयास है कि भाई सबको मानव जीवन में जीने का जो अधिकार भगवान ने अल्लाह ने दिया है वो उसका उपयोग उन्होंने करना चाहिए, इतना ही है। अपने राष्ट्रगान की बात हुई, लिखना चाहिए राष्ट्रगान में, कोशिश कर रहा, राष्ट्रगान की कोशिश करो लिखने की बात कर रहा। राष्ट्रगान, हाँ देखिए, अब हमारे देश में बदल रहा है ना, धीरे धीरे वातावरण बदलेगा, लोगों की सोच बदलेंगे। हम अभी थिएटर में हो या तो स्कूल में हो या तो फिर जहाँ पर सार्वजनिक जगह पे हम कार्यक्रम करते हैं तो जनगण मन ये गाया जाता है, ये राष्ट्रगान है। संघ का जो गीत है, हम भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोगों का, नमस्ते सदा वस्तले, ये हम लोग गाएंगे, ये हम किसी को नहीं कहेंगे आप गाओ। लेकिन जो राष्ट्रगान है इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है ना, जिन्होंने भी लिखा इसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया, उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वीकृति दी है, उसको हमने मान लिया है, तो ये गाना सब लोगों ने क्यों नहीं गाना चाहिए। इसलिए अभी कुछ लोग नहीं गाते तो खड़े हो जाते हैं, हमारी इच्छा ये है कि वो भी गाए, वो गाएंगे तो फिर उसमें से अंदर से भावना निकलेगा देश के प्रति, वतन के प्रति, देश के लोगों के प्रति। तो मैंने प्रपोजल मूव किया है पार्लियामेंट में के साथ, मैंने 10वीं का लिखा है कि 10वीं के परीक्षा में जनगण मन राष्ट्रगीत ये लिखाने का प्रयास करेंगे। लिखने का होगा तो फिर पढ़ेगा उसका, अभ्यास करेगा, है ना, अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे बदलाव आएगा जीवन में, राष्ट्र के साथ, वतन के साथ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को प्रेम नहीं है, लेकिन है तो और अधिक आ जाए। प्रेम तो आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन देश के लिए कुर्बान तो कुछ ही लोग होते हैं ना, शरद पजाकर, है ना। राष्ट्रभक्ति आप में कम नहीं है, मेरे में कम नहीं है, लेकिन कुर्बानी करने का जो जहाज है, जो जज्बा है, वो कुछ लोगों को है। तो मेरा ये सोच है कि राष्ट्रगान सभी लोगों ने गाना चाहिए, तो सभी लोगों ने गाना चाहिए तो उसका क्या थ्योरी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि परीक्षा में बच्चे लिखेंगे तो धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा। तो यही सोच है, ऐसी सोच से ही तो दुनिया और देश बदलता है, बदलेगा। देखिए, ये नमो चषक 2024 पूरे मुंबई में हमारे नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हमने पूरे मुंबई में नमो चषक ऑर्गेनाइज किया था, और मलाड में पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ, और उसके हिसाब से मलाड में कम से कम 6,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था। और आज जो प्रतियोगिता आपने देखा उसमें 122 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से हमने 32 सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और इसको इतना बड़ा स्वरूप दिया। आपने देखा हज़ारों की संख्या में आके लोग ने आके इसको देखा, और हमारे सांसद श्री माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी ने आके हमको आशीर्वाद दिया, और जो विनिंग टीम थी उनको आके यहाँ पे प्राइज दिया। और इसी आपके माध्यम से मैं पूरी युवा मोर्चा की टीम, मलाड की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना पूरा एक सेकेंड ऑर्गेनाइज़ करने में हमारा मदद किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।